सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसी पीडिया चैनल का साप्ताहिक वीडियो #AskTCP। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके द्वारा पूछे गए ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की। आइए शुरू करते हैं। मनीष पांडे जी जानना चाहते हैं 1.5 रुपीज 1935 एंड 1936 इंडो पोर्चुगीज कॉइन की प्राइस। मनीष जी, 1.5 रुपी 1936 5.5 ग्राम वजन का सिल्वर में बना था, जिसकी साइज 24 mm और शेप सर्कुलर था। इसकी वर्तमान प्राइस 500 से 1500 रुपये की चल रही है। एवं 1 रुपी 1935 भी सिल्वर में बना था, वजन 11.66 ग्राम, साइज 30 mm, शेप सर्कुलर और वर्तमान प्राइस 1000 से 2500 रुपये। तुलसीराम जी जानना चाहते हैं 5 रुपये के आज तक टोटल कितने कमेमोरेटिव कॉइन रिलीज हो चुके हैं और क्या वो सभी कॉइन मेरे कलेक्शन में हैं और उनमें से सबसे महंगा कॉइन कौन सा है। तुलसीराम जी, टोटल 61 कमेमोरेटिव कॉइन रिलीज हो चुके हैं, वो सभी मेरे कलेक्शन में हैं और सबसे महंगा तो पहले भी बता चुका हूँ, 1996 सेकंड इंटरनेशनल क्राफ्ट साइंस का कॉइन है, लगभग 10000 रुपये का। संजय रामानी जी, 25 पैसा 1946 और 47 10 से 50 रुपये, 1972 5 से 15 रुपये और 1982 75 से 200 रुपये। रजनीश कुमार जी, करेंसी से संबंधित कुछ भी एसेसरीज चाहिए तो आप फाल्कन कॉइन गैलरी वालों से ऑफिस टाइम में संपर्क कर सकते हैं। समय दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक। और हाँ, मेरा नाम लेने पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। उनका फ़ोन नंबर है 9535123234। कविता सिंह का सवाल है, 1835 1/4 आना का रेट बेड एंड गुड कंडीशन में। आपको बताना चाहूँगा, 1835 1/4 आना बॉम्बे, कलकत्ता व मद्रास मिंट द्वारा ढाले गए थे। तीनों मिंटों के कॉइन का प्राइस सेम चल रहा है, 75 to 1000 रुपी। लगेज अनबॉक्स को बताना चाहेंगे कि 1901 का 1 रुपी सिल्वर कॉइन बॉम्बे व कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए कॉमन कॉइन है, प्राइस 8 से 1800 रुपये। समंता गिल जी, फैंसी नंबर का कोई फिक्स रेट नहीं होता, आपके पास जो नंबर का सेट है वो कितना अट्रैक्टिव बन पड़ा है उस पर डिपेंड करता है, साथ ही खरीदने वाले को जल्दी है या बेचने वाले को, और नोटों की कंडीशन यूज्ड है या UNC, इनसेट व गवर्नर कौन है, ये सभी चीज़ों का गुणा भाग करने के बाद ही कीमत तय होती है। यदि अच्छे नंबर हैं तो डबल रेट तो मिल ही जाता है और UNC का रेट 10 गुना तक मिल जाता है। CB गोल्ड खादी हुंडी नोट 5 रुपये की गद्दी का रेट 700 रुपये है। अक्षित कचोलिया जी, 1616 में 786 का कोई कॉइन नहीं बना था, ये 100% फेक है। अंगद सिंह कालरा जी, 100 ईयर सिविल एविएशन 5 रुपीज कॉइन देश की चारों मिनटों में ढाला गया एक कॉमन कॉइन है, कीमत 10 से 15 रुपये। केप डूड लिखते हैं, आई सब्सक्राइब यूअर चैनल, यू आर सुपर, और साथ ही एक लंबी चौड़ी लिस्ट कॉइन्स की, उनमें से कईयों के रेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लीज़ एक ही सवाल बार बार रिपीट ना हो, ये ध्यान रखेंगे तो आपको व मुझे सभी को अच्छा लगेगा। और साथ ही एक निवेदन है कि आप सभी लोगों को सवाल पूछने का मौका दें, अभी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, बाकी आप अगली बार पूछना। 10 रुपये क्रॉस कॉइन 2005, 2006 एवं 2007 में डाले गए थे। इनमें 2006 सबसे ज़्यादा दिखने वाला कॉमन कॉइन है, 2007 का रेट 50 से 100 एवं सबसे महंगा 2005 का 200 रुपये तक कीमत रखता है। अंत में मैं जय श्री महाकाल एवं अन्य लोगों से भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के सवाल हम आज के TCP में नहीं ले पाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, या तो उनका सवाल एकदम साफ नहीं होता है, मतलब हमें पता नहीं पड़ता है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। कृपया इस टॉपिक को कोई भी पर्सनली अपने ऊपर ना ले, मैं जनरल वे में बात कर रहा हूँ आप सभी से, कि हमें कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि मेरे पास 70 साल पुराना नोट है, मेरे पास सोने का सिक्का है, मेरे पास एक ऐसा कॉइन है जिस पे क्या लिखा है मुझे पता नहीं पड़ रहा है, उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती है, वो कितने में बिकेगा, मेरे पास CD देशमुख का नोट है वो कितने में बिकेगा। अरे भाई, अब आप इतने पुराने हो चुके हो मेरे चैनल पे और मैं इतने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे चुका हूँ,
तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको किसी नोट की प्राइस पता करना है तो उसका गवर्नर कौन है, अगर आपको उसका ईयर पता हो तो कौन से ईयर का नोट है, यदि आपको इनसेट के बारे में जानकारी हो तो उस नोट में इनसेट क्या है, ये सारी चीज़ें, उस नोट का नंबर अगर कोई स्पेशल नंबर हो, फैंसी नंबर हो तो वो नंबर बताना चाहिए। इस तरीके से यदि आप किसी भी नोट की पूरी डिटेल देंगे तो मैं आपको सही आंसर दे पाऊँगा। और यदि आपके पास कोई कॉइन है जिसकी आप वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो यदि वो गोल्ड कॉइन है तो गोल्ड का वज़न कितना है, उस पर लिखा हुआ क्या है, आप उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं मुझे, मेल आईडी में कितनी बार दे चुका हूँ आपको। फिर से आप नोट कर लीजिए thecurrencypedia@gmail.com, आप इस मेल आईडी पे मेल कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने कई वीडियो में दे रखा है, वो व्हाट्सएप नंबर भी चालू है मेरा, आप व्हाट्सएप पे इमेज भेज सकते हैं। या कई बार आप ऐसा लिखते हैं कि आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरा क्वेश्चन पिक नहीं किया, तो जब आप ऐसा लिखते हैं कि एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वही आपने पिछले 10 हफ्ते 15 हफ्ते से यही लिख रहे हैं कि मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, मेरे को आपका सवाल ही नहीं मिल रहा। मैंने कुछ लोगों को बोला भी था वीडियो में कि मुझे आपका सवाल नहीं मिल रहा, आप सवाल दोबारा भेजें, तो सवाल ही नहीं है तो मैं उसका जवाब क्या दूँ, आप ही बताइए। तो प्लीज़ आप इसको अन्यथा ना लें, नाराज ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है बहुत अच्छे से विस्तार से आप उसकी जानकारी दें मुझे, ताकि मैं उसका सही सही जवाब दे पाऊँ। और कोई भी क्वेश्चन यदि आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे आस्क TCP के सारे वीडियो देखने के बाद ही कोई क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं जो मैं ऑलरेडी मैं जिनका जवाब दे चुका हूँ, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब एक ही क्वेश्चन का जवाब मैं 4-4, 5-5 बार दूंगा हर आस्क TCP में, वही क्वेश्चन लूँगा, तो ये बोरिंग हो जाएगा ना सब, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि नए नए सवाल आएँ, ऐसे सवाल आएँ कि जिनका जवाब मुझे भी पता नहीं, तो मुझे उन जवाबों को खोजना पड़े, तो मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में। जय हिंद, जय भारत।